अच्छी जॉब पाना, एक हाईएस्ट पैकेज पे जॉब पाना, अच्छी सैलरी के साथ जॉब करना हम में से हर कोई चाहता है। दोस्तों, हमारे देश में आप देखते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। एक एक सीट पे कई कई हजार उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमाते हैं कि वह परीक्षा दे करके एक गवर्नमेंट जॉब को पा पाए। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे ही देश में एक ऐसी जॉब है जिसमें लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हालांकि इस जॉब में आपको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल मिलती है और कहीं ना कहीं आप भी देश के डेवलपमेंट में अपना एक पार्टिसिपेशन दे पाते हैं, अपना एक योगदान दे पाते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मर्चेंट नेवी। हाँ दोस्तों, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है मर्चेंट नेवी, जैसे कि हमारी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के बारे में आप सभी ने सुना है। लेकिन मर्चेंट नेवी का काम एक इस तरह का काम है, आप ये समझिए कि जो भी चीजें देश से बाहर भेजी जाती हैं, देश से बाहर आती हैं, बिल्कुल देश के अंदर जो चीजें आती हैं, वह सारी चीजों का काम, सारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जितने भी काम होते हैं वह मर्चेंट नेवी के द्वारा किया जाता है। आज मैं बात करने वाला हूं कि मर्चेंट नेवी ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसे ज्वाइन कर पाएं, जिससे कि आप भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके अपने भविष्य को बहुत ही उज्जवल बना पाएं, बहुत ही सुदृढ़ बना पाएं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो आपको 10th पास होना होगा विथ नो परसेंटेज बार। आपके पास परसेंटेज की यहाँ पर कोई डिमांड नहीं है, आप 10th पास होने चाहिए कम से कम। और अगर आप 12th विथ PCM, BTech किए हुए हैं, सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं इसको ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि इसका वर्क क्या है, हालांकि इसका काम क्या है। देखिए दोस्तों, मर्चेंट नेवी का काम पूरी तरह से सी रूट पर होता है, यानी आपको समुद्र में रहना होगा। और आप जब एक बार जाते हैं अपने देश से जहां आपको भेजा जाता है, वहां शिप पर कम से कम आपको 3 महीने बिताने होते हैं, क्योंकि इसका काम बहुत ही टफ होता है, टिपिकल काम होता है। आपको सारे सामान को लेकर के एक शिप से दूसरे जगह आना होता है, तो बिल्कुल आपको शिप में ही रहना पड़ता है। हालांकि आपको शिप में हर वो फैसिलिटी मिलेगी जो आप चाहते हो। दोस्तों, आपके लिए जिम, पार्क, ये सारी चीजें उसी के अंदर होती हैं। आप बिल्कुल ही ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप देश दुनिया से कटे हुए हो, तो बिल्कुल भी आपका ऐसा महसूस नहीं होने वाला है। जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम है सी रूट के थ्रू, वही काम मर्चेंट नेवी करती है। और यहाँ पर आपको दो तरह से एंट्री मिलती है, एज अ वर्कर और एज अ ऑफिसर। अगर आप 10th या 12th पास हैं और आपने डिप्लोमा, ITI ये सारी चीजें की हुई है, तो कहीं ना कहीं आपको एज अ वर्कर यहाँ पर ज्वाइन कराया जाता है। अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच से जाते हैं, मरीन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है, तो यहाँ पर आपके ऑफिसर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो यहाँ पर सैलरी आपकी 20,000 से लेकर के 2,50,000 तक आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, जो कि बेसिक पे इनका होता है। इसके बाद आपके एक्सपीरियंस के साथ आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहती है और आपकी लाइफस्टाइल उसी के साथ बदलती रहती है। अब मैं बात करता हूं, अगर आपको वर्ल्ड टूर करना है, तो आप अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट घूमना चाहते हैं, तो आपके लिए मर्चेंट नेवी से अच्छी कोई भी जॉब नहीं है। अगर आप वर्ल्ड टूर करने के इच्छुक हैं, अगर आपको देश विदेश घूमना अच्छा लगता है, देश विदेश में आप घूमना चाहते हैं, आपको देश विदेश में रहना पसंद है, तो ये जॉब आपके लिए कहीं ना कहीं परफेक्ट है। अब बात करते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में, कैसे जाने क्यों इसके सीट्स खाली चली जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो वैकेंसी होती है वो जैन के स्टार्टिंग में आती है। इसके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में आप भर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप जाकर के गूगल पे सर्च करेंगे मर्चेंट नेवी, तो आपको बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जो आपको मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करवाते हैं, मर्चेंट नेवी में आपको एंट्री दिलवाते हैं। सबसे पहले आपको एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि आप शिप पर जाकर के उस काम को कर पाएं जिस काम के लिए आपको अपॉइंट किया जा रहा है, जिस काम के लिए कंपनी ने आपको अपॉइंट किया है। तो अगर आप मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके पास साल में 3 अपॉर्चुनिटी आती है, एक स्टार्टिंग जन में, एक आपकी अप्रैल में और एक आपकी नवंबर में। ये जो फॉर्म्स आते हैं वो ऑनलाइन या ऑफलाइन आते हैं। बहुत सारे इंडिया में ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर जाकर के आप मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर आपको शिप पकड़ाई जाती है और फिर आप उसी शिप पर आपका वीजा बनता है, आपका पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट आपके पास होगा, और इसके बाद आप अपनी वर्ल्ड टूर की जर्नी पर, अपने जॉब पर आप निकल पड़ते हैं। बात करूं दोस्तों, तो बहुत सारी फैसिलिटीज
आपको मिलती हैं। वहां पर आपको शिप में इंटरनेट की फैसिलिटी, सारी चीजें, आप जो खाना चाहते हैं, फूडिंग, लॉजिंग, सारी चीजें आपकी कंपनी द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है और अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी है। तो ये कहीं ना कहीं एक अलग लाइन है, अच्छी लाइन है। इसमें भी आप अपना करियर एज एन ऑफिसर, एज अ वर्कर भी आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि मर्चेंट नेवी के बारे में आपको हर छोटी से छोटी बात समझ में आई होगी और उम्मीद है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में जा करके अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ही अच्छा बनाएंगे और कहीं ना कहीं हमारे देश के डेवलपमेंट में इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट रूप से आप काम करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को जरूर टैप करिएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।